दोस्तों ये रहा 100 रुपये का, आप लोग अगर लेना हो तो आप लोग आ सकते हैं। मैं हेलो दोस्तों, मैं हूँ विक्रम और आप लोगों को अपने चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को ले चलूँगा कापसरा बॉर्डर में जो डेली मार्केट लगते हैं, तो वहाँ पे मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा बहुत सारे दुकान जिसमें वैसे रेडी होता है, वो बहुत सारे रेडी दिखाऊंगा जैसे लोग वो डेली लगता है और वहाँ ज़्यादातर चीज़ें सस्ते में मिल जाते हैं। आप लोग कुछ जिस चीज़ को ख़रीदना है तो आप लोग वहाँ से ख़रीद सकते हैं। वैसे वहाँ वेजिटेबल्स मिलता है, फ्रूट्स मिलता है और काफ़ी सारे चीज़ें मिलता है। चलिए देखते हैं वहाँ क्या मिलता है। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी लगे, प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं अभी रास्ते में हूँ तो मैं निकल पड़ा हूँ कापसरा बॉर्डर के तरफ। और आप ये जो देख रहे हैं, ये जो दुकान है जो हैवी, ये सारे ढूंढेड़ा में आते हैं। ये एक मज़ेदार चीज़ ये है, यहाँ ये देखने को मिलता है आप लोगों को कि बॉर्डर के उस पार आप दिल्ली भी देखने को मिलेगा और गुड़गांव में। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए चलता हूँ कापसरा बॉर्डर की तरफ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ सिटी लाइफ के पुराने स्टोर जहाँ पे था वहाँ पे लगा हुआ है एक बोर्ड जहाँ की शू की सेल लगा हुआ है। 400 रुपये में, 450 रुपये में अच्छे अच्छे शू आपको मिल जाएंगे, एक से बेहतर एक आप यहाँ से ले सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा, बहुत सारे चॉइसेस मिल जाएंगे आपको यहाँ से लेने के लिए शू। यहाँ पे आप लोगों को फॉर्मल शू भी मिल जाएगा, ये देख सकते हैं बहुत सारे चॉइसेस हैं आपके पास। इसमें ऐसे हो जाएंगे, देखिए कलर है। अरे ले जाओ इसे, ब्लैक कलर ले जाओ, एक को ले जाओ इसे। अच्छा मैं किधर आ जाएगा आप लोगों को, बहुत सारे शू हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बहुत सारे चॉइसेस मिल जाएंगे आप लोगों को। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि यहाँ पे एक सेल चल रहा है जूते की, कानपुर जूता का सेल। तो ये है उनके ओनर है भैया का, आपका नाम बता दीजिए। मासूम खान नाम है भैया का। तो भैया ये जो आपका सेल चल रहा है ये कितने दिन से यहाँ पे है? यहाँ पे एक महीना हो गया। एक महीना हो गया तो कब तक ये रहेगा वैसे? ये होली तक रहेगा। होली तक रहेगा। तो ये जो जूते की आपका सेल लगाया हुआ है, ये हर जूते का अलग अलग प्राइस है या फिर कैसे? ये एक ही प्राइस है, 400 रुपये का है, कोई भी ले लो। अच्छा यहाँ का जितने भी 400 का है, अंदर जो मैंने दिखाया था जो वो लेदर शू है वो सारे 500 का है। तो ये आपका होली तक रहेगा। तो ये आपका जो लोकेशन है एक बार बता देंगे कि हमारा दोस्तों कोई चाहे आपके जूता खरीदने तो आ सके। ये यहाँ पे ना ऐसे सिटी लाइफ मॉल के सामने है जैसे जो पहला वाला था। तो दोस्तों ये जो हमारा हनुमान चौक है गुड़गांव वाला, तो यहाँ पे एक सिटी लाइफ का पुराना स्टोर था जिसके नीचे यहाँ उसी सिटी लाइफ स्टोर में ये सेल लगा हुआ है। तो आप लोगों को अगर खरीदना हो तो यहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू भैया। दोस्तों जैसे कि भैया ने बताया कि ये बाहर के जितने भी है 400 रुपये के है और अंदर जितने भी फॉर्मल शूज़ है वो 500 रुपये के है। आप लोगों को अगर लेना हो तो आप लोग आ सकते हैं, मैं आप लोगों को लोकेशन बता दें। दोस्तों ये रहा जूते का नाम और ये जगह सिटी लाइफ का जो पुराना स्टोर था ये यहीं पे ही है, तो आप लोग यहाँ से खरीद सकते हो। दोस्तों आप लोगों को लोकेशन ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ शहर पंजाब और राव भजनालय की बगल में ही यही है। दोस्तों जैसे कि वहाँ आप लोगों को बताया था कि जूते का सेल लगा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह आपको यहाँ पे कंबल की सेल लगा हुआ है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कितने अच्छे अच्छे कंबल हैं। तो रेट मैं आपको बाद में भैया से बात करके पूछा बताऊंगा। ये हमारे भैया जो दुकान के ओनर है, तो आप पहले कंबल देख लीजिए भैया से, उससे बाद बात करेंगे आप लोगों से। चलिए दोस्तों भैया से बात करते हैं कि कंबल का क्या रेट है, क्या क्वालिटी है,
वो भैया बता देंगे। ये रहे हमारे भैया। भैया आपके नाम बता दीजिए। मेरा नाम अखिल है भाई। भैया का नाम अखिल है। तो ये आपके ये जो स्टॉल लगा हुआ है कितने दिन से लगा हुआ है यहाँ पर? ये हमारा 5 महीने के लिए लगता है। 5 महीने के लिए लगता है। कब से कब तक ही लगता है वैसे? ये लगता है, ये देख लो, ये कौन सा नवंबर है ना। हाँ जी। इससे पहले कौन सा था? अक्टूबर। अक्टूबर से लगता है। अक्टूबर से लेके और जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी तक यहाँ लगता है। तो भैया ये जो कंबल की रेट सबका अलग अलग होगा ना? अलग अलग। ये आपका कैसे, बाय पीस देते हो या फिर वजन के हिसाब से? वजन के हिसाब से देते हो। तो ये जो इसे कंबल आपके बगल में रखा हुआ है तो इसका क्या रेट है? इसे 300 रुपये किलो है। मान ली ये पूरे कंबल डबल बेड है सिंगल बेड है? सिंगल बेड है। तो इसका तकरीबन क्या मतलब अप्रोक्स रेट क्या होगा आपका? 2.5 किलो के आसपास में होगा, 750-700 रुपये। तो ये जो 750-700 रुपये आप बता रहे हैं, इसके ऊपर भी कुछ ऊपर नीचे कर देते हैं अगर कस्टमर जो लेता है? कस्टमर जो लेता है कर देते हैं। तो ऊपर नीचे हो सकता है वैसे तो भैया आप लोगों के लिए कम कर सकते हैं अगर आपको का कंबल लेना हो। तो यहाँ नॉर्मली बताया भैया ने जो रेट है पर किलो कितने बताए भैया? 300 रुपये किलो, 350-400-250। तो मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है केजी क्या होगा। तो भैया आपको कम ज़्यादा कर देंगे रेट। तो आप लोग देख सकते हैं भैया के पास बहुत सारे कलेक्शन है। आप लोगों को जिस टाइप का भी चाहिए ना तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और कंबल की क्वालिटी देखो भैया, बहुत बहुत ही मस्त है। सेम चीज़ अगर आप कोई शोरूम वगैरह या फिर स्टोर में जाते हो सेम चीज़ आपको टैग लगा के ज़्यादा रेट ले लेंगे, बट यहाँ पे आप लोगों को बहुत सस्ते में मिल जाता है चीज़ें। भैया इसका क्या रेट होगा? ये 3500 का है। बहुत अच्छा है, ब्रांडेड कंपनी का है। तो ये देख लीजिए आप आप लोगों को लोकेशन बता दूंगा मैं। ये है भैया का दुकान। भैया इसका क्या है, ये कंबल है क्या है? ये रजाई है। रजाई है, ये रजाई। तो इसका क्या रेट आएगा? 1800, 2500 और 3000। लोकेशन भी बिल्कुल सेम ही है, राव भोजनालय जो है उसके सिर्फ बगल में ही है। तो आप लोग यहाँ से खरीद के ले। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे सेल लगा हुआ है चीज़ों की, जो कंबल की सेल देखा है हमने। बहुत सारे बहुत बहुत अच्छे चीज़ें हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी की कंबल है। तो आप लोग यहाँ से ले सकते हो, सस्ते में मिल जाता है। तो प्राइस भी ऊपर नीचे वो लोग कर देते हैं, उसके कोई टेंशन नहीं है। तो आप लोग वो खरीद सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि सेम इंडिया ना, दोस्तों हम लोग अभी एंट्री कर चुके हैं दिल्ली के बॉर्डर पर। आलू कैसे दिए भैया? 2 किलो। भैया प्याज कैसे दिए? प्याज 30 रुपये किलो। अभी थोड़े दिन पहले महंगा था इतना कि 80 रुपये करीब था, 30 रुपये में मिल जा रहा है। ये लोग आप देख सकते हो ताज़े फ्रेश, एकदम फ्रेश मिल जाता है आपको चीज़ें। बीटरूट मिल जाता है आपको 30 रुपये में। तो सेम भीड़ देख सकते हैं आप लोग, कितने भीड़ है यहाँ पे। यहाँ पे बस डिपो भी है। तो यहाँ पे यहाँ से आप लोग दिल्ली के लिए या फिर कहीं पे के लिए बहुत बहुत जगह से बस जाता है, बहुत सारा बस आता है यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे जा सकते हो। ये तो इस साइड से नहीं है, आगे जाके देखते हैं वहाँ पे बस डिपो है। तो वो बहुत सारे बस निकलते हैं बहुत जगह के लिए। तो ये रहा टोल गेट आगे दिल्ली के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे भी कंबल की सेल लगा हुआ है, दुकान भी है बहुत ज़्यादा। तो ये तो दोस्तों था कि ये वेजिटेबल मार्केट था, तो यहाँ पर तो सब्जियाँ मिल जाते हैं बहुत सारे, फ्रेश चीज़ें मिल जाते हैं आप लोगों को, आप लोग देख भी सकते हैं। ये हम आ गए हैं फ्रूट मार्केट में। अब देख सकते हैं फ्रूट्स मिल रहा है कितने, लोग यहाँ पे भी भीड़ लगा हुआ है। बस 30 के बारे में 30 रुपये किलो।
देखिए यहाँ पे इतना मिल जाता है चीज़ें पूरे। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल लगा हुआ है सीधा समाल का तक लगा हुआ है, समाल का तक ये ढूंढेड़ा से लेकर समाल का तक गया है। ये जो मार्केट है रोड की साइड में ही है, और यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ रोड साइड में मिलता है, तो यहाँ पे बहुत सारे स्टोर भी है, दुकानें भी हैं अच्छे अच्छे, तो वो भी आपको लोगों को दिखाऊँगा मैं। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ बस स्टैंड है, यहाँ से बहुत सारे जगह पर दिल्ली के हर कोने तक आपको बस मिल जाएगा यहाँ पे, तो कोई मतलब शंका नहीं है, यहाँ पे मिल जाएगा दिल्ली के बहुत सारे कोने जगह के लिए आप लोगों को यहाँ पे बस मिल जाएगा। दोस्तों चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ मच्छी मार्केट की तरफ, तो आप लोग देख सकते हैं हम मच्छी मार्केट पहुँच चुके हैं। जैसे कि आप लोगों को बता दूँ दिवाली का माहौल था, तो वैसे ज़्यादा मच्छी लोगों के पास है नहीं फ्रेश मच्छी, जैसे कि यहाँ आज दिवाली का माहौल था तो यहाँ पे मच्छी या फ्रेश मच्छी ज़्यादा नहीं है, मच्छी बहुत ही कम है क्योंकि लोग तो यहाँ पे है नहीं, दिवाली में घर चले गए, इस चक्कर में लोगों ने मच्छी भी नहीं लाया। वैसे भी दिवाली में पूजा वूजा होता है तो इस चक्कर में कोई नॉनवेज नहीं खाता, इसलिए शायद मछली आया नहीं इन लोगों पर। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाऊँगा ज़रूर यहाँ पे कितने सारे मच्छी मिलते हैं, और उसकी सब बाद में दिखाऊँगा किसी दूसरे वीडियो में। दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे और भी स्टोर्स है, जैसे कि B2 हो गया, सिटी लाइफ हो गया, तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ, ये रहा B2 है, यहाँ पे B2 के स्टोर है, भीड़ लगा हुआ है, यहाँ पे भी ज़बरदस्त भीड़ लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों B2 का थोड़ा नज़दीक ही बिल्कुल बगल में ही आप लोगों को दूसरा स्टोर देखने को मिल जाता है ये सिटी लाइफ के, तो यहाँ पे भी अभी सेल लगा हुआ है, यहाँ भीड़ भी लगा हुआ है बट यहाँ पे थोड़ा स्पेस बहुत है तो पता भी नहीं चल रहा है कि ज़्यादा भीड़ है, तो आप लोग देख ही सकते हो कि भीड़ है, तो आप यहाँ से भी खरीद सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोग चलते चलते आके पहुँच चुके हैं शिव मंदिर के पास, जो तापसरा वाला शिव मंदिर उसके सिर्फ बगल में ऑपोजिट साइज में है फर्नांडपुर विलेज, जो अक्कूगर के नाम से जाना जाता है। तो ये अंधेरा है तो पता नहीं चल रहा है, इसके लिए मैं आगे किसी दूसरे दिन आके आप लोगों को दिखाऊंगा, तो दिन में आके अक्कूगर का वीडियो बना के आप लोगों को दिखाऊंगा ज़रूर। तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, जो कि मेरा पहला वीडियो था और जो वो थोड़ा लंबी हो गया, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया शिव मंदिर के पास पहुँच चुके हैं हम, तो दोस्तों चलिए भगवान जी के दर्शन करते हैं और इसी के साथ साथ अपनी वीडियो ख़त्म करते हैं। ये अच्छे चीज़ लगाया हुआ है इन लोगों ने कि कोरोना काल के लिए, तो ये देख सकते हैं आप लोग मंदिर के अंदर, बहुत ही शांत माहौल है और बहुत ही मतलब जो बोलते हैं दिल को शांति मिल जाता है वो मिल जाएगा आपको यहाँ पे, क्योंकि भगवान के घर ऐसा जगह है जहाँ की खुशी ही खुशी मिलता है। शनिदेव है, ये रहे मंदिर के अंदर की वातावरण, और ये है चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना था, अगली वीडियो में लेकर आऊँगा नए जगह पे, नई कुछ नया लेकर आऊँगा आपके लिए, तो आज के लिए विदा दीजिए।